हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरी स्पेशल एक व्यूज सेगमेंट की मैंने सोचा कि यहाँ पे अपलोड कर दूँ। जैसे आपने देखा थंबनेल पे टाइटल मैंने रखा हुआ है कि फुटबॉल वर्सेस क्रिकेट माय पर्सनल ओपिनियन। कैसा है, पिछले 4-5 दिन से फुटबॉल वर्ल्ड कप चालू हुआ है। अभी मतलब मुझे भी कुछ फुटबॉल की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं क्रिकेट फॉलोअर हूँ। बट मैंने सोचा क्यों ना मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ ये वीडियो भी आप अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, क्यों ना एक बनाया जाए, कंपाइल किया जाए, एक आम आदमी का क्या है। देखिए मैं, हम इंडियंस फुटबॉल में पीछे हैं बहुत, हमारी टीम नहीं क्वालिफाई करती, और अभी तो कुछ इसका करप्शन का चार्जेस भी लगा हुआ है ना उनके ऊपर, फॉरगेट इट, दैट पार्ट डिफरेंट। लेकिन मैं सऊदी नेशनल टीम को कर, अब मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ, और मैं सऊदी अरेबिया टीम को डिलीजेंटली फॉलो कर रहा हूँ, ओके, दिल से फॉलो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है अर्जेंटीना के साथ, और उसके बाद जो एक अलग माहौल आ गया है सऊदी अरेबिया में, हर एक आम आदमी बात कर रहा है। आपको तो अब तक ये न्यूज़ बहुत पुरानी हो गई रहेगी कि सऊदी अरेबिया ने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया। तब मेरे दिमाग में ये बात है कि वो एक कंपेरिजन बनाया जाए, क्या है ऐसा, क्या है, और इसी के चलते ये वीडियोज़ है, क्या है ऐसा कि लोग इतने, मतलब एक कंट्री नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं स्टेट एम्प्लॉयज़ को, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को, एजुकेशन सेक्टर के बच्चे बच्चियों को एग्जामिनेशन तक पोस्टपोन की गई। क्या हुआ, क्या है ऐसा फुटबॉल में, इसी के चलते ये वीडियोस बनी हुई है। तो प्लीज़ देखते हैं मेरे पर्सनल व्यूज, आई होप आपको अगर उसके अगर इफ़ यू को रिलेट विथ इट देन डेफिनेटली गिव अ पॉजिटिव शॉट आउट, एंड इफ़ यू इवन क्रिटिसाइज, इफ़ यू डू नॉट मैच माई व्यूज, डू नॉट एट ऑल वरी, क्रिटिसाइज मी and do not at all forget to put your critical remark in your comment, do not, no problem, because it is not necessary that my views will match with my viewers views. आपको जो भी लगे मेरे differences है आपके साथ, आप please comment section में डिले, इनाम I do not agree with you, but let's see. सबसे पहले तो क्या है cricket, अगर आप देखे जाएं ये जो game है, मैंने देखा कि देखा football को, cricket को मैं बहुत पहले से passionately follow कर रहा हूँ, as an Indian सबको पता रहता है क्रिकेट आता है। लेकिन होता क्या है, फुटबॉल वर्ल्ड कप का सालम जिसको अरबी में बोला जाता है, यहाँ पे टीम को लोगों को क्या लगता है, ये क्राउड गेम बन जाता है। मतलब ऐसे लोगों को लग जाता है कि उनका जो सेक्शन है 20-30 हज़ार जो क्राउड उनको सपोर्ट करने आए, उन्हीं में से कुछ 11-13 बच्चे एक मैदान पर खेल रहे हैं, तो बोले सऊदी अरेबिया में जनरलाइज कर रहा हूँ इसको, और उन्हें लगता है कि हम ही हैं वहाँ पर। पैशन बहुत ज़्यादा आ जाता है बनिस्बत क्रिकेट के, कंपेरेटिवली क्रिकेट, क्रिकेट में मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब क्यों फुटबॉल के बदले वो कम लगता है मुझे इफेक्टिव बांधने में क्राउड को, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है और क्राउड इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता। इसे मेरे व्यूज़ हैं। ये देखिए, 2 प्लेयर्स हैं बीच में मैदान में, ओके, और वो लोग खेल रहे हैं, और 10-11 लोग लड़के बाजू में हैं, फील्डर्स हैं, क्या करेगा एक प्लेयर जो बीच में है, जो बैट्समैन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, चौका सिक्स घूम के यहाँ वहाँ, तो सब लोग एकदम ऑ में आ जाते हैं, और मोर लाइकली उसका बाजू का जो सामने वाला रनर मेट है वो आएगा, उसको शाबाशी देगा, बहुत अच्छे से सिक्स मारा, अब बॉलर आया, उसने विकेट निकाला, उसके दोस्त आएंगे, उसको मिलेंगे, ये तो मोर बाय एंड लार्ज वहीं तक हुदूद में रह जाता है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि फुटबॉल देखिए, फुटबॉल कैसा है, क्यों सऊदी अरेबिया के राजा को छुट्टी डिक्लेयर करनी पड़ी, क्योंकि क्राउड पूरा आ जाता है। वो कैसे आता है, एक तो वो मरते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक बैट्समैन को सिक्स मारने के अंदर सर 10 के 11 के 11 लोगों को देखता रहना पड़ता है कि वो बॉल उनके हाथ में आए ना आए, और जैसे पाँव में सॉरी आए ना आए, और जैसे ही एक मिराकुलसली गोल हो जाता है तो आप देखते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया जैसे एक मैच क्रिकेट की चल रही है और एक विकेट गया तो ज़्यादा क्या होगा, 9-10 प्लेयर आते हैं, इतना ही नहीं, अगर वो विकेट किसी आम लड़के की हो, मतलब किसी अच्छे क्रिकेट, हार्डली वो 6-7 बैटर होते हैं, 7 बैटर में से 3 ही कोई इंपॉर्टेंट स्पेशल विकेट्स होते हैं, है ना, जिनके लिए स्ट्रैटेजी बना के दूसरी टीम आ ही जाती है, तो बाकी के 4 विकेट को मायने ही नहीं रखता। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वो लोग जब 80 मिनट 50 मिनट 40 मिनट मशक्कत मर 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 के जब एक गोल मारते हैं, तो हम देखें पूरे के पूरे 10-11 प्लेयर उनके पास जाते हैं, अपने लोगों के पास, वो क्यों जाते हैं। अभी जापान ने वो जर्मनी के साथ भी जो गोल किया 2 जो गोल मारे जापान ने, तो
वो लड़के सीधे उनके उनके पास जाते हैं, अपने लोगों के पास ही। ऐसा क्रिकेट नहीं है। तो क्रिकेट में क्राउड मैक्सिमम तब इन्वॉल्व होती है जब पूरी की पूरी मैच खत्म हो जाती है, बट यहाँ पे क्राउड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। और शॉक, दे आर मोर इंट्रीग्ड इनसाइड द मैच एंड देयर एंगर एंड देयर सेंटिमेंट फार इजिली रेजोनेट्स विद द होल क्राउड, cheering back their team, the whole crowd. There is one section of the team's crowd which I have been witnessing in all these days, that totally want to back its team as if that they are playing, which is totally not happening in cricket, will not also happen the way the structure of the cricket is. ये इसके वजह से होता है। तब मैंने मतलब ये मेरे को क्यों ऐसा बोलना पड़ा, मैं सोचा कि सऊदी अरब इतना क्यों पैशनेटली ऐसा कर रहा है, तो उसकी यही वजह हो सकती है, यही है वजह। लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे में से ही, क्योंकि वो हमारे पास आए ना प्लेयर पूरे के पूरे गोल मार के, हमें आके बोल रहे हैं चेयर चेयर आप खुश, आपके लिए किया हमने, आपके लिए किया हमने। ऐसे एक अकेली गेम लगती है टेनिस विनिस, ये बहुत इंडिविजुअल गेम्स हैं टेनिस को, तो यू कांट, माई ओनली पॉइंट इज फाइव फुटबॉल वर्सेज क्रिकेट। ऐसे बीच में खबर आई है कि T20 क्रिकेट पॉपुलरिटी के मामले में इसकी आ रही है, ये टीम स्पोर्ट, बट फुटबॉल इज वे अहेड। आई हैव नोटिस दिस इन फोर फाइव डेज एंड एस्पेशली इन वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप में क्या होता है भाइयों, सऊदी अरेबिया चलो एक एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं, तो उनके पास कुछ होता नहीं है ग्लोबल स्टेज में, वर्ल्ड स्टेज में दिखाने के लिए। क्या दिखाएं वो, किस तरीके से दिखाएं दुनिया को, या तो जब ये वर्ल्ड कप आ जाता है तो अब देखिए हो क्या जाता है कि सऊदी अरेबिया बीइंग अ नेशन ऑफ 30 or 35 million पीपल यानी 3.5 करोड़, तो उसमें दे हैव 1.5 crore ऑफ एक्सपेक्टेड स्टेइंग इनसाइड देम एंड 2 odd crore ऑफ देयर रेजिडेंट्स। सो नाउ दिस इज द वर्ल्ड स्टेज, नाउ ऑल द नेशंस हैव गैदर्ड एट वन place, and as I told you, it is more of crowds involvement in the game. These 11-12 people stand as good as the representative of the crowd, and the whole fans, you know, the fans which are there, the fans who are there in the stadium, they imagine that these 12 people are some of their people only, though they might not be physically that capable of running on the pitch, running on the ground and scoring huge goals, because they have been trained for last 3 years, 4 years. But then now Saudi Arabia, for instance, like what happened last week, now what is happening here? The crowd, for to that matter, they are obese people, general people, they can't run on the field, but they are imagining that. And then what happens at the world stage in front of a country as huge as Argentina, the fans from the whole world are tuning onto their TV sets, and in media houses and experts, analysis, statisticians, everybody are watching this game, and then they see what Saudi Arabia is defeating Argentina. Now, okay, the upsets happen, the country goes crazy, and the reason for that is now the whole world will start talking of Saudi Arabia. Now, which is that Saudi Arabian team? Which coach is this? Which player are representing Saudi Arabia? What exactly is the infrastructure of Saudi Arabia's sports system totally, that Saudi Arabia has been able to make such an biggest upset? But not only Argentinians would speak about this Saudi Arabians. So that was my whole point. And the Saudi Arabia, being Saudi Arabia, can to a certain extent reach group stages, do some things in group stages. Now they have caused an upset. Fine, that is okay. But the whole world will not talk of it. This is the reason for their happiness. This is what making football different from cricket. In cricket, the representation of the fans is minimal, is 25 to 30%. Even if a Saudi Arabian cricket team was playing yesterday, for instance, or 2 days before against Argentina, wouldn't have that made such a big difference, because the fans do not get that involved. It's such a different game, this football. This was what my observation was.
Even the two goals which were scored by the Saudi Arabians, they went to the crowd after the match also, after the whole match also. So Saudi Arabians, the players, when they were interviewed, they were asked, and they are only wanting to tell us that they are representing their country's fans, and they are so happy to bring the joy in the fans. So fans. This is the reason why the king, his son, the Crown Prince Mohammed bin Salman, the king, custodian of the two limos, His Highness Salman, and they all gather in an evening, they make this announcement. Happiness for the fans, for the crowd. Here in where the cricket lags. Cricket comes shortly behind over here. We also as fans become huge. Let us take the example of India-Pakistan. But the involvement at all the stages of the 90 minutes is far more lesser. You are involved in the match, you are, but with the fans. And also at a larger stage, comparatively, Cricket World Cup would never be held with 32 countries. And there is a good chance of 2024 coming in. Where many teams will be represented, but yet, like we saw, there's Ireland teams and the Zimbabwean teams very recently concluded World Cup. The fans were there and they were cheering. They became so happy that their players. But still, if cricket, I don't know how they will change the laws or so, but more or less it's very individualistic, far too mechanical and far too predictable also compared to football as a sport. I can switch to Hindi now again. In the middle I'll keep it like this, but for my English viewers, I thought this video mostly for the English viewers, even for the Hindi, but let me make it to Hindi. So wahan pe कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर लॉज ऐसे ही रहेंगे ना, तो फैंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगी. और जो ये सऊदी अरेबिया के साथ अभी जो हुआ वो नहीं हो पाएगा. मतलब मेरा बोलने का मकसद ये है कि कितना भी कुछ भी हो जाए, नहीं है वो फैंस, उतने नहीं आ पाएंगे क्राउड. ओके, ठीक है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो दिल उन लोगों के साथ झड़ो धड़, वो जो मोमेंट्स है ना, वेट करते रहो, गोल का इंतज़ार करते रहो, प्लेयर मर रहा है, भाग रहा है, हमारे लिए आ रहा है, गोल किया, ओ गोल, और फिर वो सब लोग जो आते हैं उनको ऐसे लगता है, वो बांधता है, वो मोमेंट्स, वो जो सीन्स होते हैं ग्लोरी के, वो देख के योर हेयर इज रेज्ड, यू फील हेवनली, स्पीचलेस. दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स कम वेरी लेस इन क्रिकेट. I attribute to the laws, and also the whole structure of the cricket team different. There is a 2, 3, 4 people also, and predictable also. So you wait 6 ball, 36 match over. 12 ball, 30 is required. 2, 3 odd players are there. No, they won't score. Might score. Good ball. This will happen. Only this. And at the end, the players come when the match is totally finished, then the players write, then they make a whole circle. So this is just my general views, dear. This is the video. I can now conclude it. Now it is up to you also. You can put in your comments. आपके views डाल दीजिए. अगर आप मेरे से इत्तेफाक नहीं रखते, you can definitely put in your views also. But this is where football is way ahead. It connects the at more emotional level. And the 90 minutes of thrill which is there, the fans are more there involved as compared to cricket. You can also put in your views. आप आपके views डाल दीजिए. आपको कैसे लगता है? ये मेरा initial था अभी तक का, और बस ये मेरे personal views थे जो मैंने सोचा यहाँ पे share करें. Thank you for watching. बस मुझे ऐसे लगा ये वहाँ पे video upload करने के लिए. और अगर आपको पसंद आई तो please share करें या फिर enjoy करें. Just मेरे views आप देख सकते हैं. Thank you for watching, dear.